हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे खीरे के फायदे और खीरा खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। साथियों, हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। यदि आप चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। खीरा सभी घरों में आसानी से मिल जाता है। लोग सलाद के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और वजन घटाने के लिए भी ये काफ़ी मददगार है। इसके अलावा खीरा चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी काम आता है। खीरे में विटामिन के, सी और मैग्नीज पाया जाता है, जो त्वचा और बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। गर्मियों में अक्सर त्वचा पर कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, तो ऐसे में खीरे का इस्तेमाल करके त्वचा को सुंदर और स्वस्थ बनाया जा सकता है। शरीर की भीतरी शुद्धि हो या भारी ठंडक, खीरा हर तरह से लाजवाब होता है। खीरे में कैलोरी कम होती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है। खीरे में लगभग 96% पानी होता है। दोस्तों, अगर आप इसके पोषक तत्वों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो खीरे को छीलकर नहीं खाएं। खीरे को छीलने पर उसमें मौजूद फाइबर की मात्रा कम हो जाती है, साथ ही कुछ विटामिन और खनिज भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, महिलाओं में डार्क सर्कल और आंखों के नीचे सूजन होना आम बात है, जिससे चेहरे की सुंदरता खराब हो जाती है। ऐसे में खीरे का इस्तेमाल करके आंखों को सुंदर बनाया जा सकता है। खीरे में एंटीऑक्सीडेंट और सिलिका गुण होने के कारण चेहरे को ठंडक देता है। खीरे की स्लाइस आंखों के नीचे 20 मिनट तक रखने से काले घेरे और सूजन ठीक हो जाती है। धूप से झुलसी त्वचा पर खीरा लगाने से शीतलता मिलती है। हमें प्रतिदिन कुछ विटामिन लेना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में विटामिन ए, बी और सी हमें नियमित लेना चाहिए। खीरा अकेला हमें प्रतिदिन के विटामिन देता है। खीरे के छिलके में विटामिन सी होता है, इसीलिए इसे खाना भी लाभदायक होता है। दोस्तों, ऑयली स्किन के कारण त्वचा पर मुहासे आ जाते हैं। ऐसे में खीरे को पीसकर उसमें हल्दी और नींबू की कुछ बूंदें मिलाएं और उसे मुहासों पर कुछ देर तक लगाकर रखें। इसके बाद चेहरा धो लें। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से मुहासों की समस्या दूर होती है। दोस्तों, खीरे का प्रतिदिन सेवन करने से पेट में गैस नहीं बनती है, कब्ज भी दूर होती है। खीरा वजन भी कम करता है। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं, वो सूप और सलाद में खीरे का सेवन करें, क्योंकि खीरे में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि कैलोरी नहीं, इसीलिए जल्दी पेट को तृप्त करता है। दोस्तों, छिलके समेत खीरा खाने से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। इसके छिलके में बीटा कैरोटीन होता है, जिससे आंखों की रोशनी अच्छी होती है। खीरे का नियमित सेवन से कैंसर का खतरा कम होता है। खीरे में ऐसे तत्व होते हैं जो सभी तरह के कैंसर, जिनमें स्तन कैंसर भी शामिल है, उन सबसे रोकथाम करने में ये कारगर होता है। दोस्तों, वैसे तो शराब पीनी नहीं चाहिए। शराब पीने के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। उनमें अगले दिन का हैंगओवर बहुत ही कष्ट देने वाला होता है। इससे बचने के लिए आप रात को सोने से पहले खीरा खाकर सोएं, क्योंकि खीरे में जो विटामिन बी और शुगर और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वे हैंगओवर को कम करने में बेहद मदद करते हैं। गर्मियों में पसीने के कारण त्वचा और गर्दन का रंग काला हो जाता है। ऐसे में खीरे को पीसकर उसका रस निकाल लें और इसे चेहरे और गर्दन पर कुछ देर तक लगाकर रखें। रोज़ाना ऐसा करने से बहुत जल्दी त्वचा साफ हो जाएगी और उसमें निखार भी आएगा। इसके अलावा खीरे की स्लाइस को भी गर्दन और चेहरे पर रगड़ सकते हैं, इससे भी आपका रंग साफ होगा। दोस्तों, यूँ तो खीरा खाने के अनेक फ़ायदे होते हैं। खीरे में कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन दोस्तों, खीरा खाने के कई नुकसान भी हो सकते हैं, यदि आप खीरे को सही तरीके से ना खाएं। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को खीरे के सेवन की सलाह दी जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खीरे के सेवन से मूत्र त्याग के लिए बार बार जाना पड़ता है। इसका कारण है खीरे में पानी की अधिक मात्रा होना। इसीलिए गर्भवती महिलाएं यदि खीरे का ज़्यादा सेवन करेंगी, तो उनको मूत्र त्याग के लिए बार बार जाना होगा, जो उनके लिए असुविधाजनक हो सकता है। खीरे में काफ़ी विषैला यौगिक तत्व पाया जाता है। आप जितना अधिक खीरा खाएंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में यह टॉक्सिन्स आपके शरीर में जाएगा। इसके कारण आपके लीवर और गुर्दे सहित शरीर के कई अन्य अंगों में सूजन हो सकती है। इसके लिए आप इसका संतुलित सेवन ही करें। ज़रूरत से ज़्यादा खीरा ना खाएं। पूरे दिन में
एक या दो से ज़्यादा खीरे का सेवन ना करें। दोस्तों, खीरा स्वभाव से ठंडा माना जाता है, इसीलिए अगर आप कफ, सर्दी या सांस संबंधी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो रात को सोते समय खीरा बिल्कुल ना खाएं। इसे खाने की मात्रा पर भी ध्यान दें। दोस्तों, जिन लोगों को साइनसाइटिस की बीमारी होती है उन्हें खीरे से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कारण यही है कि खीरे की तासीर ठंडी होती है। ऐसे में अगर साइनसाइटिस के पीड़ित लोग इसका सेवन करेंगे तो उनकी यह समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया खीरे खाने के फ़ायदे और खीरे खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।